पूरे देश विच किसानां दे तिखे विरोध दरमियान विवादित खेतीबाड़ी बिल पार्लीमेंट विच पास हो गया। बेशक पहले दिन सदन तो गायब रहे अकाली दल मुखी सुखबीर सिंह बादल संसद विच इस बिल दे विरोध विच भुगते, पर अकाली दल बादल दे खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंसां नूं लै के नित बदल दे स्टैंड दे मुद्दे ते हुण बुरी तरह कर चुके हन। खासकर भगवंत मान संसद दे अंदर अते बाहर सुखबीर बादल ते तिखियां चोभां मारदे नजर आए। भगवंत मान ने कहा कि मैं हैरान हाँ कि कदे किसानां दा मसीहा कहाउंदे अकाली दल दे मौजूदा प्रधान कदे कुछ बोलते हैं तो कदे कुछ, हुण तां कह रहे हैं कि असी इस बिल दे विरुद्ध हाँ पर पंजाब जा के बदल जाते हैं। भगवंत मान ने कहा कि अकाली दल का कहना है कि असी तां बिल पढ़िया ही नहीं, जबकि पंजाब विच जा के कहते हैं कि बिल बहुत वधिया है। सुखबीर बादल तां कह रहा है कि बिल किसानां दे पक्ष विच नहीं पर उन्हां दी पार्टी सत्ताधारी धिर दे नाल है, जिन्हां दा एक मंत्री भी है। वह बिल दे विरोध विच हन तां पहला मंत्री दी कुर्सी छड्डण कि यह विरोध महज खाना पूर्ति है। हालांकि अपने संबोधन दरम्यान धर्म संकट च फसे अकाली दल दे मुखी ने बिल नूं लै के कुछ सवाल चुके जरूर अते कहा कि किसानां दे सारे तौखले दूर किते जाने चाहीदे सन। हालांकि पार्लीमेंट विच कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ने इस बिल दा ठोकवां विरोध कीता है। और मैं हैरान हां कि किसानां दा मसीहा कहाउण वाली अकाली दल पार्टी दे प्रधान अज कह रहे ने कि असीं इस बिल दे खिलाफ हां। सर, पंजाब दे विच बिल दी सपोर्ट करदे आ, इह इत्थे आ के वोटिंग जिहड़ी आ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਨਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਭੀ कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी की, बहुत अच्छा बिल है, कमाल का फैसला है, क्योंकि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, क्रांतिकारी बिल है। सर पूंजीपतियों नूं फायदा होगा, ओ स्टॉक होल्डर जेड़े ने मन मर्जी करनगे। सर, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा, सर इकोनॉमिक्स का रूल है मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। सर, जब सप्लाई और डिमांड जब हम उनके हाथ में दे देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, तो महंगाई को ऐसे कंट्रोल करेंगे, जब मर्जी जिस मर्जी चीज की सप्लाई कम करके वो महंगाई बढ़ाएंगे। और सर, फूड ग्रेन हमेशा से जरूरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है, और सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंकें बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था, किसान भी बेच दिया इन्होंने। और किसान पंजाब में भी अभी सड़कों पर है, जमीन को माँ कहा जाता है। सर, किसान अपनी माँ को बचाने के लिए आज सड़कों पर है, और इस बिल का विरोध करता हूँ, और इस बिल को वापस करना। असल विच देश भर विच किसानां दे हितां अते खेती खेतर लई फिक्रमंद लोकां लई नमोशीजनक दिन रहा, क्योंकि किसान हतैशियां दे डटवें विरोध दे बावजूद भी लोक सभा ने मंगलवार नूं जरूरी वस्तां सोध बिल 2020 नूं मंजूरी दे दित्ती। जरूरी वस्तां सोध बिल 2020 अनाज, दालां, तिलहन, खाण योग तेल, गंढियां, आलूआं नूं जरूरी वस्तां दी सूची चों हटाउण दा प्रावधान करदा है। इह आर्डीनेंस 5 जून 2020 नूं जारी कीता गया सी। उधर पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बिल पास करन दा डट के विरोध कीता है। उन्हां जारी इक बयान विच कहा कि भारतीय जनता पार्टी अते श्रोमणी अकाली दल किसानां नूं खत्म करना चाहुंदे हन, उह अजिहा हरगज नहीं होण देणगे। कांग्रेस पार्टी खासकर पंजाब सरकार इस मुद्दे उत्ते हुण अदालत विच जावेगी ते इस नूं चुनौती देवेगी। खेती ऑर्डिनेंस नूं लै के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इह बिल पास करके संविधान विच प्रवान कीते राजां दे अधिकारां उत्ते डाका मारिया गया है, जो किसानां लई मारू साबित होवेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हुण कह रहे हन कि किसान मुकाबलेबाजी विच चंगी कारगुजारी करनगे। उन्होंने कहा कि विचारा किसान किवें सरमाएदारां नाल मुकाबलेबाजी कर पावेगा। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल हाउस विच मौजूद सी, पर उसने किसान हितां नूं बचाउण लई कुछ ना कीता। उन्होंने सुखबीर नूं पुछिया कि हुण गठजोड़ विच बाहर आ जाओ जां अजे भी दरवाजे दे बाहर खड़े रह के अपने लई कुछ होर रहिंद खूंद मंगण दा काम जारी रखोगे। उन्होंने कहा कि किसानां नाल धोखा करन विच अकाली पूरी तरह भाईवाल वांग विचरे हन अते उस पार्टी दा साथ दे रहे हन जो किसानां नूं खत्म करन ते तुली होई है। सो जो सूबा 70 साल तो इस देश नूं अन्न खवांदा है, उहदी तुसीं राय भी नहीं लैनी, क्योंकि आ जिहड़ा कुछ हो रहा है इहदे विच जरूर रोस जागूगा पंजाब 'च, और जदों रोस जागदा है फिर कुछ भी हो सकदा है। इस करके ये मैं बार बार कहा सी, मैं 3 चिट्ठियां प्राइम मिनिस्टर नूं लिख चुके हैं, इससे मैं पर्सनली मिल चुके हैं, हुण नहीं, ये काफ़ी देर की गल है। असीं 3 बार उन्होंने लिख चुके हैं कि तुसीं आ ना करो, ये बड़ी गड़बड़ है, लुक एट द नैशनल इंटरेस्ट जिहड़ा आपां इस लूज़ कर बैठांगे।
नहीं मने उन्होंने हुण ऑर्डिनेंस लियाए ने। मैं आस करदा कि एक तो पास करता कल, लेकिन दूजे दो समझ के कि देश का कितना नुकसान हो, एंड ये भी समझन कि पंजाब दे विच 75% किसानी साड़ी तकरीबन 5 एकड़ तो घट है, वो तो अद्धी जिहड़ी है वो 2 एकड़ तो घट है। कोई MSP नहीं होनी, जो कोई एजेंसी नहीं होनी फूड कॉरपोरेशन इन संभालने वास्ते, फिर प्राइस फॉल करनगे। फिर जिहड़ा 2 किले का मालिक है वो अपने बच्चों को कैसे रोटी खवाओ, तो उहदे ते निर्भर ने वो लोग जिहड़े पिंडां दे विच वसदे ने जिन्हां दे कोई जमीन भी नहीं, वो किसानी ते निर्भर ने, उन्हां दा की होगा। होशियारपुर की मंडी चौदह दिन सवेरे 1700 रुपए क्विंटल होनी चाहिए सी मक्की और 600 रुपए च गई। दिस इज़ गोइंग टू हैपन, कणक च भी हो झोने च भी हो, जब FCI चली जाओ और जो MSP जाऊगा तुसीं पंजाब च, पंजाब की सारे हिंदुस्तान की किसानी डोब दोगे, और पंजाब VRS बॉर्डर स्टेट साडा, तुसीं इत्थे होर कोई कौड़ा बीज बोल के जाओगे। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੈਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਟ ਐਨੀ ਸਟੇਜ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਲੀ। We are a high-end electronic gadget store with IT and surveillance. We have a team of 35 dedicated people, and we are authorized for more than 60 international brands, which includes Nespresso, Dyson, Devyale, Bose, Apple, Blue Air, Honeywell, to name few of our customers: big corporate houses, business people, industrialists, politicians. They are all our customers. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਔਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।